तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपनी इमेज को कैसे ऐड करना है, इमेज गैलरीज को कैसे ऐड करना है, ऐड इमेज को। जिस तरह हम आप अपने मोबाइल में कोई भी इमेज को ओपन करते हैं तो वो इमेज खुल के आपके सामने तो आ जाती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जूम होकर आपके सामने आती है, और फिर साइड में एक साइड बार का बटन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज फॉरवर्ड होती है। तो इस तरह की इमेज को हमने अपनी वेबसाइट में कैसे लेकर आना है, जिस तरह हमारे पास कोई गैलरीज होती है, गैलरीज के अंदर काफ़ी सारी इमेज आ जाती हैं, इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इमेज आपके सामने शो हो जाती है। तो मैं आपको उसके दो मेथड बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना, अपनी लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर देना है, फिर आपने अपनी वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने पेजेस पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर ऑल पेजेस हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी पेज में अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर, अबाउट पेज के अंदर आप अपनी पिक्चर्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप एडिट के अंदर आए, एडिट में आने के बाद ये अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस को ऐड कर देना है। ये एक इमेज है, ठीक है। जब आप इमेजेस को ऐड करेंगे, सिर्फ एक इमेज नहीं, आपके सामने क्या आ जाएंगी, इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर इमेज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, गैलरी। जब आप गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी इमेज शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं, हमारे सामने कौन कौन सी पिक्चर पड़ी है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये और ये, और ये इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये हमारे पास चार पांच पिक्चर आ गई, ये हमारे सामने शो हो जाएंगी। जैसे क्रिएट, अब यहाँ पर मैं करूँगा इंसर्ट गैलरी, तो यहाँ पर वो आपकी पिक्चर को अपनी मर्जी से डिज़ाइन करके अपनी मर्जी से ऐड कर देगा कि पहली रो में कितने डिस्प्ले हों और उनका साइज़ कैसा होगा, वो कैसे डिस्प्ले होंगी, वो उसकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं अपडेट, अपडेट करने के बाद हम यहाँ चले जाते हैं, इसको हम कर देते हैं रिफ़्रेश, रिफ़्रेश करने के बाद हमने अबाउट सेक्शन के अंदर पिक्चर लगाई है। ये देखें, ये आपके सामने पिक्चर शो हो गया। जब मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पर आपके सामने पिक्चर्स तो आ गई हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक मेथड ये है, एक मेथड है जो प्लगइन के थ्रू होता है। तो वो प्लगइन के थ्रू कैसे होगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, ठीक है। जब आप प्लगइन्स के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल प्लगइन्स, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे, ऐड न्यू पे जाने के बाद आपके सामने थीम्स आ जाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे लाइट बॉक्स, इसको कर देंगे सर्च। जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने लाइट बॉक्स की थीम आ जाएगी। तो आपने ये वाली, ये आपको ये सामने नज़र आ रही है रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स गैलरी, इसको आपने यहाँ पर से क्लिक करके क्या कर देना है, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या कर देना है, एक्टिवेट। जब आप उसको एक्टिवेट कर देंगे तो आपके सामने वो कहाँ पर शो होगी, यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने नज़र आ रही है, तो ये आपके सामने इस तरह शो हो जाएगी। जब ये शो हो जाए तो आपने अपनी पिक्चर को कैसे करना है, यहाँ ये जो गैलरी नज़र आ रही है, गैलरी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप गैलरी के ऊपर क्लिक कर देंगे, गैलरीज में जाएंगे, गैलरीज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे। यहाँ पर आप ऐड न्यू गैलरी का कोई भी क्या दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, गैलरी, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस को अपलोड कर देना, जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमेजेस को यूज़ दिस एटम, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद क्या करना है, इसको हमने कर देना है पब्लिश, ठीक है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको, कोड। आपने क्या करना है, इस कोड को कर देना है कॉपी, कंट्रोल सी। फिर आपने अपनी इस गैलरी को जहाँ पर भी शो करवाना है वहाँ पर जाके इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हम चले जाएंगे अपने पेजेस में। जैसे यहाँ पर गया तो हमने अबाउट सेक्शन के अंदर तो वो शो करवा दिया, लेकिन कॉन्टैक्ट सेक्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर इसको शो करवाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी तो वो कैसे काम करता है। यहाँ पर ये जब हमने इसका कोड यहाँ पर पेस्ट किया, इसको हम करेंगे अपडेट। जब ये अपडेट हो जाएगा तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद इसको करेंगे आप रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद आप जब जाएंगे कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपके सामने पिक्चर वो सारी की सारी शो हो गई हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर ये इस तरह की पिक्चर थी तो इस तरह की शो हो गई। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके सामने जूम होकर आ जाएगी, पूरी स्क्रीन के ऊपर आएगी, और ये नीचे आपके सामने ये बटन आ गए हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर और नेक्स्ट पिक्चर, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर से अपनी वेबसाइट पर चले जाते हैं। प्लगइन के थ्रू भी आपको एक गैलरी या पिक्चर्स को ऐड करना सिखा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइडर बार भी लगाएंगे।